नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम करण अर्जुन के तीखे तीर में। मैं हूं करण। करण अर्जुन के तीखे तीर लेके मैं आया हूं। अर्जुन, तीखे तीरों का सामना करने के लिए हमारे साथ है अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल। गोयल साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। विधायक जी, आप पहली बार MLA का चुनाव लड़े और आपके सामने इतना बड़ा बिग शॉट जो कि कद्दावर नेता माने जाते हैं विनोद शर्मा, आपको उनकी विकेट गिराने के लिए आपने कितनी बड़ी फील्डिंग की थी और कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए थी? देखिए, मैं मानता हूँ कि बिग शॉट राजनीति में वो होता है जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद होता है। आदरणीय विनोद शर्मा जी, अंबाला की जनता ने उनको भरपूर स्नेह दिया, समर्थन दिया और उन्हीं के सर पे वो बिग शॉट बने, लेकिन उसकी परवाह नहीं करी। तो जनता को एक ऐसे अपने भाई की, भतीजे की, बेटे की तलाश थी जो नेता के रूप में उनकी सेवा कर सके, उनके बीच का हो। और मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों ने, हमारे संगठन के सभी लोगों ने बरसों बरस की जो हमारी मेहनत थी, ये बीजेपी को, वैसे भी बीजेपी की परंपरागत सीट अंबाला सिटी को माना जाता रहा है, सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर जोर लगाया और जनता ने भरपूर समर्थन और आशीर्वाद हमें दिया, तो विनोद शर्मा जी चित हो गए। पिछले चुनाव की अगर बात करें, मोदी लहर थी, मोदी लहर में आप जीत गए, लेकिन जो अगली राह आपकी आने वाली 2019 की अगर बात करें, 2019 में राह कितनी आसान आपके, आप खुद के लिए मान के चल रहे हो? दूसरा, ऐसे कौन से काम आप अब तक आप कर पाए जिसको लेकर आपको लगता है कि 2019 आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा? देखिए, पहली बात तो अगर मैं, माननीय मोदी जी का आपने नाम लिया है, तो मैं कहना चाहूँगा माननीय मोदी जी की लहर इस देश में बढ़ी ही है, पहले से घटी नहीं है। अगर उसी लहर के नाते 2014 में बीजेपी की नैया पार हुई थी, तो 2019 में भी कोई समस्या वाली बात नहीं। माननीय मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है। नहीं, विश्वास तो बढ़ा है। 19 में मोदी लहर का सहारा रहेगा, मुख्यमंत्री का सहारा रहेगा, या खुद आपको व्यक्तिगत तौर पे लगता है? माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा एक, हरियाणवी एक, एक मंत्र को अपने अंदर, खाली मंत्र नहीं दिया, उसको अमली जमा पहनाया। पहले क्या होता था, राज्य में जहाँ के जिले के मुख्यमंत्री बने, केवल उन्हीं का विकास हुआ। आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात लें, सिरसा की तरफ फोकस हुआ, चौधरी भजन लाल जी ने हिसार को आगे बढ़ाया, चौधरी बंसी लाल जी को विकास पुरुष कहा जाता था, लेकिन उनका भी ध्यान कहीं ना कहीं भिवानी की ओर ज़्यादा था, और श्रीमान उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो कमाल ही कर दी, यानी सारा पैसा हरियाणा का उठा के रोहतक में लगा दिया। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कई परियोजनाओं में करनाल से आगे हमारा अंबाला भी है, और पूरे हरियाणा के अंदर हमारा विधायक जीता नहीं जीता, 90 की 90 विधानसभाओं ने पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन राउंड पूरे किए, जो लोगों की वहाँ की ज़रूरतें थी, करोड़ों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं, विकास पूरे हरियाणा में एक समूचा हो रहा है। अंबाला शहर की बात कर लेते हैं। अंबाला शहर में आपने ऐसा क्या किया है जिससे कि लोग असीम गोयल को दोबारा से चुने? कोई ऐसी 10 आपने योजनाएं शुरू करी हो या 10 आपने कोई ऐसे विकास कार्य शुरू करे हो आप अपने? हमारे पास 10 नहीं, सैकड़ों के हिसाब से अंबाला शहर में परियोजनाएं हमने शुरू की। एक बहुत बड़ा मुद्दा था अंबाला शहर के बस स्टैंड का। दसियों साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने उस बस स्टैंड को गिराने का काम किया, जमीन अच्छी तरह एक्वायर नहीं हुई बस स्टैंड की, अगले की आपने पुराने बस स्टैंड को तोड़ दिया। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था उस पूरी जमीन को हड़पने का, 10 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगी, और अब भी हमने उसकी जगह किस तरह बदलवाई, मतलब पहले उन्होंने जगह और कर दी थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, और लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से एक AC बस स्टैंड जो है बड़ी जल्दी जनता को समर्पित होगा, उस पर काम चल चुका है। मार्च में खुद मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करके आए हैं। आपने कर दिया है, काम भी चल रहा है, आप जाके देखेंगे, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है, काम चल रहा है। नीचे की एक स्लैब की उनकी जो है नींव निकल चुकी है बाहर, और बिल्कुल बड़ी जल्दी हम बस स्टैंड देंगे। दूसरी बात, एक कांग्रेस का मैं अगर बात कहूँ तो लखनौर साहब गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल हैं, और माता गुजर कौर जी का स्थान भी है, उनका मायका स्थान है, हमारे लिए पवित्र स्थान है, पूरे लोगों की आस्था का केंद्र है, और आप जाके वहाँ देखेंगे सन 1969 का पत्थर आज भी हिज एक्सीलेंसी यादविंदर सिंह जी के नाम से लगा है। यादविंदर सिंह जी, मैं आपको बता दूँ, महाराजा अमरेंद्र सिंह जी के दादाजी रहे हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरेंद्र सिंह जी, उनके दादाजी रहे हैं। पत्थर लगाए 49 साल हो गए, 49 ईंट भी उस पत्थर के अलावा लगी नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लगभग 36 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे हरियाणा के दूसरे VLDA कॉलेज को मंजूरी दी है, बड़ी जल्दी उसका काम शुरू होगा, मंजूर हो चुका है। जब सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी, टेंडर फ्लोट होने के बाद टेंडर किसी को लौट होगा, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाएगा। हमारी सरकार पत्थर लगाने में नहीं, काम करने में विश्वास करती है। तीसरा बड़ा काम, भगवान विष्णु के जो हमारे 5वें अवतार रहे हैं वामन भगवान, उनकी अवतार स्थली है, किसी ने
किसी सरकार ने कभी भी उस स्थल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। चौधरी भजन लाल जी ने कभी 1991 में कोई थोड़ा बहुत वहाँ तालाब का काम करवाया, और विनोद शर्मा जी ने तो कमाल कर दी, समाज से पैसा इकट्ठा किया, समाज को बोल दिया कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप पैसा इकट्ठा करो लगाओ। वो पैसा भी कितना समाज इकट्ठा करता, कितना का लगाता, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 12 करोड़ रुपये उस वामन भगवान के तीर्थ को डेवलप करने के लिए, उस सरोवर के जीर्णोद्धार के लिए दिए हैं, और कहा है कि इसके लिए अगर और जितने पैसे चाहिए वो हम देंगे। सारी योजनाएं आपने गिनवाई है, लेकिन अंबाला नगर निगम जो आपने भंग किया, मैं योजनाएं आपने कहा 10 उंगलियों पे, अभी तो तीसरी तक पहुंचा हूं साहब। जो महावीर स्वामी के नाम से एक बहुत बड़ा पार्क था, 8 करोड़ रुपए उसके जीर्णोद्धार के लिए आए। पहली बार कुरुक्षेत्र के बाद प्लेनेटोरियम हम अंबाला में लेके आए, उसका काम शुरू हो चुका है। 51 करोड़ रुपए पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए लेके आए, लगभग 50 करोड़ रुपए के नाले। अंबाला एक कटोरे की तरह है, बरसात आती थी डूबता था, किसी ने इसकी निकासी का प्रबंध नहीं किया। एक सीवर, मैं कहता हूँ ऑन पेपर मेरा चैलेंज है, 1500 करोड़ रुपए का दावा विनोद शर्मा जी करते हैं, एक प्रोजेक्ट बता दें कि मैंने अंबाड़ा में ये करवाया, एक प्रोजेक्ट। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दसियों प्रोजेक्ट कहते हैं, वो एक प्रोजेक्ट गिनवा दें सीवर के अलावा। सीवर के अंदर कितने करोड़ों का झाड़मेल हुआ है, वो बहुत बड़ा इंक्वायरी का विषय भी है, इंक्वायरी उसकी चल भी रही है, और ऑफिसर आके कह चुके हैं कि साहब जिसने खाना था वो खा के चला गया, मरेंगे हम, हमने कुछ नहीं किया, करवाने वाला जो था वो खा के पैसे चला गया। गोयल साहब, गांवों में भी कुछ किया इसके अलावा, क्योंकि गांव, मैं गांव का बता रहा हूँ आपको, गांव में ननेवड़ा हमारा सबसे बॉर्डर का गांव पड़ता है, सबसे बड़ा गांव है, वहां के लोगों की जब से गांव बना वहां में DAV कॉलेज भी है, मंडी भी है, उनकी डिमांड थी कि स्वास्थ्य के लिहाज से हमारे पास कुछ नहीं है और हमें एक हॉस्पिटल चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक कलम से उस अस्पताल को पास करने का काम किया, और 2-3 महीने में वो अस्पताल जो है जनता को लोकार्पित कर दिया जाएगा। लेकिन चौड़ मस्तपुर के अंदर अगर देखा जाए, आपने सीवरेज की बात की, अभी भी अगर अंबाला में बारिश आती है सीवरेज का पानी इकट्ठा हो जाता है, अंबाला तालाब बन जाता, अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं। मैं बता रहा हूँ, जो 50 बस स्टैंड का काम काफी डिले चल रहा है, 3.5 साल से ज्यादा नहीं साहब, मैं बता रहा हूँ साहब, टेक्निकल दिक्कतें थी। अंबाला शहर का जो बस स्टैंड, उन्होंने जगह बदल दी थी, विनोद शर्मा जी ने उसको वर्कशॉप के पास 84 कनाल जगह लेके एक्वायर करा के बस स्टैंड की जगह बदलवाई। हमें एक साल लगभग उस जगह को बदलवाने में लगा, क्योंकि उसके लिए माननीय कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए उस जगह के लिए कि 44 करोड़ रुपए आप इनको अंतरिम राहत दो, जिनकी जमीन थी, उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। माननीय कोर्ट ने 111 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार से मांगा और वो जगह बदली। उसके बाद वहाँ पर BBB मोड़ के लिए हमने प्रयास किया, डिम्स कंपनी है जिन्होंने दिल्ली का बस स्टैंड बनाया है, उनको टेंडर दिया गया, उन्होंने टेंडर 2 बार फ्लोट किया, एक सिंगल आदमी भी उस टेंडर को भरने के लिए नहीं आया, लगभग 1.5 साल उसमें चला गया। सीवरेज व्यवस्था की बात, और सीवर की बात मैं बता रहा हूँ, जो नाले हैं, क्योंकि सीवर डला, सीवर कामयाब नहीं, लगभग 343 किलोमीटर का सीवर इस अंबाड़ा सिटी में डला है, नीचे गलियों में घूमता हुआ, और उसके अंदर करोड़ों का झाड़मेल हुआ है। उन सीवर के अलावा, क्योंकि सीवर प्रॉपर चलने वाली स्थिति में नहीं है, मैं खुद घूमा हूँ, हमारी टीम ने लगातार 6 महीने तक खुद कभी घंटा कभी 2 घंटा लगा के रोज मॉनिटरिंग की है, लेकिन उसका एक सिंपल तरीका हमें समझ आया कि जब अंबाड़ा शहर के सारे पानी को ट्रैवल करा के आप बाहर GT रोड पे बनूड़ी नाका करके जगह पड़ती है जहाँ पे सारा पानी डिस्पोज ऑफ हम करेंगे, हमने उसके लिए 1 करोड़ रुपए के नाले पास कराए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, उन नालों के ऊपर काम चल रहा है। आप जाके कहीं भी देखेंगे ग्राउंड रियलिटी में, पूरे शहर में नाले बन रहे हैं। देखिए जब वो लिंक हो जाएंगे आपस में, उस पानी को हम ट्रैवल करा के शहर से बाहर लेके जाएंगे, शहर में कभी भी बाढ़ की समस्या नहीं आएगी। शहर के अंदर सड़कें नहीं थी, सीवर के नाम पे शहर को खोदा हुआ था। नहीं गोयल साहब, इस बीच अगर नगर निगम होता, क्योंकि नगर निगम आपने भंग कर दिया, तो कितना नुकसान हुआ? पहले जो निगम बना, मुझे लगता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीति हावी रही, वो काउंसिल्स को जोड़ के बनाया गया, अव्यवहारिक निगम था, लेकिन उस निगम को रखा जा सकता था। अभी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि कैंट अगर काउंसिल बनना चाहती है, उनको काउंसिल बना दिया जाए, और हमारी आबादी जो 285,000 की अभी अंबाला शहर की है, 280 और 285 के बीच में आबादी आ रही है, 3 लाख की आबादी पे नए निगम की फॉर्मेशन होती है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन की है, मैं पिछले हफ्ते ही उनसे निवेदन करके आया हूँ कि आप हमारे कुछ गाँव के एरिए को जोड़ के उसको शहर को अलग से निगम बना दिया जाए, और कैंट अगर नगर परिषद बनना चाहता है तो उनको आप नगर निगम के पक्ष में, लेकिन जो आपके मंत्री है साहब वो निगम के पक्ष में नहीं है, ये राजनीति क्या हो रही है? तो विधायक मंत्री एक सुर में सुर नहीं मिला रहे। देखिए ऐसा है, उनको लगता है कि उनकी लोगों को हर एक काम कराने के लिए यहाँ आना पड़ता है, जबकि वहाँ पर भी ज्वाइंट कमिश्नर बैठते हैं निगम का, वहाँ भी एक कार्यालय है, तो जैसा उनके लोग उनको फीडबैक देते हैं कि जी निगम बनने से हमें परेशानी है,
कोई भी नेता जो काम करता है वो जनता की फीडबैक के ऊपर काम करता है। आप मानते हैं अनिल विज और आपके अंदर कोई मतभेद है? देखिए हमारे विकास कार्यों को लेकर के भी आपस में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए हमारे बीच किसी एक आधे मुद्दे को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। आदरणीय अनिल विज जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मेरा उनसे कोई किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन नहीं। वो 5 बार के विधायक हैं, मेरे सीनियर हैं, उनसे सीखने को हमारे पास बहुत कुछ है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन आपका बहुत सम्मान है, आपको नहीं लगता वो नगर निगम के विरोध में, आप निगम के पक्ष में, नुकसान अंबाला का हो रहा है, अंबाला की जनता का हो रहा है? मैंने एक ही बात आपको बड़ी क्लियर की कि आदरणीय विज साहब के पास उनकी जनता आई होगी कि ये हमारे लिए अव्यवहारिक निगम है, तो वो परिषद चाहते हैं, उनका परिषद बने। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वही निवेदन किया कि हमारे लोग निगम चाहते हैं और हमारी जो 20-25 हज़ार की आबादी 15 हज़ार की कम हो रही है, पास के बड़े 2 गांव लगाकर हमारे को निगम ही रहने दिया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं इसको चेक करवाता हूं और संतुति की है कि अगर मैं निगम रख पाया तो हम रखेंगे, तो इसमें कहीं मतभेद वाली बात नहीं। वो काउंसिल चाहते हैं उनकी काउंसिल बन जाएगी, मैं निगम चाहता हूं और अगर प्रैक्टिकली निगम पॉसिबल हुआ तो मेरे यहाँ निगम रह जाए। हरियाणा में अम्बाला ऐसा जिला है जहाँ पे सांसद मंत्री की नहीं बनती, मंत्री विधायकों की नहीं बनती। आप चारों विधायक को देख लीजिए, सांसद कटारिया साहब को देख लीजिए, नुकसान बीजेपी को है। ये बिल्कुल किसी का कोरी कल्पना वाला सवाल है। देखिए कटारिया जी का, मेरा, अनिल विज साहब का, सैनी साहब का, संतोष बहन जी का, हमारा जनहित के मुद्दे के ऊपर 1% भी ना मतभेद है ना मनभेद है। अंबाला की चारों विधानसभा इस समय बीजेपी के खाते में है, क्या लगता है कि आने वाले समय में भी चारों आप ले पाएंगे? क्योंकि मोदी की लहर में तो चारों विधानसभा आपको मिल गई थी। देखिए मोदी जी की लहर के अलावा हमारे पास आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद है विकास के नाते, एक भी फाइल मैंने आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। आप कभी चले जाइए, विकास का कोई मुद्दा उनके समझ आना चाहिए, वो योजना छोटी हो योजना कितनी बड़ी हो, कभी भी उनके मुंह से हमने ना नहीं सुना। और ये अकेला मेरे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के जो लोग भी उनको विकास के नाते बात को समझा पाने की ताकत रखते हैं, वो उनके विकास के फाइल के ऊपर उनका ठप्पा, उनकी मोहर तुरंत लगती है। अम्बाड़ा पूरे ज़िले के अंदर, चाहे वो छावनी विधानसभा हो, शहर विधानसभा हो, नारायणगढ़ विधानसभा हो, मुलाना बराड़ा विधानसभा हो, जो 50-50 वर्ष के रुके हुए मुद्दे थे इन सारी विधानसभाओं में, सब नेताओं ने, सब मंत्रियों ने, सब विधायकों ने अपने अपने एरिए में ऐसी ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो जनहित की योजनाएं हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे पास करवाए हैं विकास के जो जनहित के मुद्दे हैं। पूर्ण विश्वास है कि चारों की चारों सीटें जनता हमें आशीर्वाद देकर दोबारा मौका देगी सेवा। विकास के मुद्दों को लेकर चारों विधायक जो हैं साथ हैं, मंत्री भी साथ हैं, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तीखे तीर के सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोयल साहब, हम विकास की बात कर रहे थे, लेकिन अगर अंबाला की बात करें, अंबाला आपको नहीं लगता विकास में काफ़ी पिछड़ चुका है? क्योंकि हरियाणा का सबसे पुराना शहर है, चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकूला कहां से कहां पहुंच गई, ये औद्योगिक विकास काफ़ी पिछड़ा हुआ है। साथ ही यमुनानगर अंबाला रेलवे लाइन की बात करें, सालों पुरानी मांग है, वो भी आप लोगों के राज में ऐसे की ऐसी दबी हुई है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, पुरानी सरकारों ने कभी भी अंबाला के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अंबाला विकास में बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज हमारी पूरी टीम मिलकर, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम मिलके इस अंबाला जिला को विकास की उसी ट्रैक के ऊपर, उसी ट्रैक के ऊपर की गाड़ी पूरी स्पीड से दौड़े लगी हुई है। और जो आपने कहा कि यमुनानगर रेल लाइन है, नारायणगढ़ वाला जो सर्वे होना था चंडीगढ़ वाला, उसके लिए भी माननीय सांसद जी, मैं क्योंकि हमारे यहाँ का एक अंडरब्रिज का मसला था तो आदरणीय पीयूष गोयल जी से मिलने गया था, तो माननीय सांसद साहब ने उनसे भी सामने से रिक्वेस्ट की पीयूष गोयल जी से कि आप अंबाला के रहने वाले हैं, और उन्होंने भरोसा दिया कि हम इसके ऊपर बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक काम करेंगे। विकास के मुद्दों पर काफ़ी बात आपने कही, लेकिन राज्यसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव में सुभाष चंद्रा को जिताने में और स्याही और जो पेन का खेल हुआ उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी आपको माना गया। आज अपने सच्चाई जो है वो आप जनता के सामने बयां कर दीजिए कि वो उस समय हुआ क्या था। देखिए ये एक अनसुलझा सवाल जरूर है, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इसको थोड़ा सा पास लगा देता हूँ बात को। कांग्रेस के ही किसी साथी ने ये सारा खेल किया था,
और उससे अधिक मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। उन सब लोगों ने 2 सालों में सब कुछ केस भी डाल के देख लिया, सब बातें भी अपनी करके देख ली, उसकी बार बार फुटेज की चेकिंग हुई है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि इसके अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं है। अम्बाला क्षेत्र में बसपा का भी काफ़ी प्रभाव रहा है और यहाँ से एमपी भी रहे हैं अम्बाला से, तो आपको क्या लगता है इस बार इनेलो का गठबंधन हुआ है विधानसभा चुनाव में कितना आपको नुकसान? देखिए, बसपा का हाथी जो उसकी अपनी कर्म भूमि था यूपी, वहीं से लोगों ने उसको पछाड़ दिया, वहीं से फेंक दिया और 0+0 0 ही रहता है। आप माने चाहे इनका गठबंधन किसी से भी हुआ है, वो भी लगातार 15 साल से विपक्ष में हैं और चौटाला जी की पार्टी और बसपा दोनों 0+0 आज राजनीतिक सिस्टम है, वो बिग 0 ही रहेगा, उसका कुछ निकलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी तो चौटाला साहब के अपने घर में घमासान है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इनके घर से जब वो बात निकलेगी तो जाके आगे ये प्रस्तुत चेहरा कर पाएंगे। भाई चौटाला साहब से आपका बड़ा प्यार है, भाई चौटाला साहब भी विधानसभा में आपको एक दो बार सुगलेटी बॉय बोलते हैं, वो मतलब मकसद क्या है, ऐसा प्यार कौन सा प्यार है? ये साहब ने हमेशा, आपने देखा होगा उनका रवैया, अपने विधायकों के प्रति या विधायिका के प्रति उनका सम्मान का रवैया नहीं है। चौटाला साहब फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उन्होंने कभी आज तक किसी से ना नहीं सुनी। आज जब उनको लगता है कि सामने से कोई उनकी बात को काट रहा है, उनकी गलत बात को उसका जवाब दिया जा रहा है, नोटिस हो रही है, तो उनको तकलीफ होती है और वो एक्शन का रिएक्शन होना पॉसिबल है। हम उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। जो चुनाव आपने जीता उस चुनाव में आपको मोदी का सहारा मिला, डेरे के वोटों का सहारा मिला, अब डेरा आप लोगों से काफ़ी दूर जा चुका है और अम्बाला की अगर बात करें, अम्बाला में अच्छा खासा डेरा का वोट बैंक है, आपको नहीं लगता आपको नुकसान आने वाले चुनाव में होने वाला है? देखिए, डेरा के प्रेमी जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन दिया, उनका आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत मायने रखा, जब उन्होंने वोटें हुई उनके समर्थन ने हमारे लिए बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन आज भी जो डेरा से जुड़े हुए समर्पित लोग हैं उनको भी पता है कि मानिया कोर्ट के अंदर ये मामला चला हुआ है और इसमें दुर्भावना से सरकार ने कोई काम नहीं किया, ये सब बातें उनको पता है। जो उनके सभी डेरा के जो रसूखदार और समझदार जो उनके अहदेदार हैं, कार्यकर्ता हैं, इस बात को समझते हैं। मान्या कोर्ट में वो अपना पक्ष रख रहे हैं और आगे भी कोई उनकी हमारे से दूर होने वाली कहानी नहीं है। कुछ काम गिनवाना चाहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेके आप कुछ असीम गोयल ने किया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2015 में हरियाणा की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था। 22 जनवरी को पानीपत में आए थे और लगभग 15-16 जनवरी को हमारे पास ये बैजेस आ गए थे। तो जब से लेके 3.5 साल से मैंने ये बैज बिल्कुल भी अपने उतारा नहीं है, क्योंकि एक सामाजिक मैसेज देने की कोशिश है कि भाई हम आप राजनीति के अलावा भी किसी सामाजिक आंदोलन से जुड़े हैं। बेटियां मेरे लिए हैं, मैं मेरे केवल एक बेटी है और मेरा भी हर एक पिता की तरह एक सपना है कि मेरी बेटी असीम गोयल के नाम से ना जानी जाए, असीम गोयल अपनी बेटी के नाम से जाना जाए। और उस नाते समाज की सारी बेटियों की को आगे बढ़ाने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। अभी हमने इंडिया का पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक बनाया था, आज ने मुख्यमंत्री जी से उसका और फंड लिया है, अभी उसको बना रहे हैं, बिल्कुल भव्य स्वरूप मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को लेके हमने पहली बार स्मार्ट इंटरेक्टिव वर्चुअल क्लासरूम चलाए जो पूरे भारत में, पूरे भारत के सरकारी स्कूलों में पहली बार बने हैं। मेरी विधानसभा में ऐसे 3 स्कूलों में, पहले हमने केवल लड़कियों के स्कूल में बनवाया, अब वो को एजुकेशनल स्कूल में बने हैं। और अभी हमने लड़कियों का बलदेव नगर स्कूल है उसको चिन्हित किया है, पहले प्रेम नगर में चल रहा है इंग्लिश सिखाने का कोर्स। और मेरा मानना है जिस दिन प्रेम नगर स्कूल के बच्चों का पहला बैच वो इंग्लिश सीख के निकलेगा, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कोई कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ बच्चा भी मेरे उन अंग्रेजी जो इंग्लिश सीख के बच्चे निकलेंगे उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैंने एनजीओ चला रखी है मेरा आसमान, और जो ज़रूरतमंद बेटी होती है, चाहे वो पक्ष का सरपंच है, चाहे पक्ष का विपक्ष का कॉरपोरेटर है, कोई भी है, वो मुझे तस्दीक करके भेजता है कि ये बेटी ज़रूरतमंद है। तो मैं खुद, मेरी टीम का कोई सदस्य जाएगा, 11,000 रुपये की राशि हम पिछले 1.25 साल से हमने योजना शुरू की है, लगभग 500 चेक हम अपनी जेब से बांट चुके हैं, 11,000 रुपये की राशि जो है उस बेटी के शादी पे हम देते हैं। इसके ऐड को हमने कहीं, इसको हमने ऐड कोई ऐड नहीं किया, इसको हमने किसी को बताने की बात नहीं की, ये सिर्फ बेटियों की उत्थान के लिए जो हम कर सकते हैं। आप एजुकेशन के लिए मेरा निवेदन है कि आप अपने चैनल का कैमरा लेके वहाँ जाएं और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं, पूरे भारत का ऐसा अनूठा काम, 871 बच्चे अभी प्राइवेट स्कूलों के 871 बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में वापस आए हैं, ये पूरे भारत का अनूठा काम है। और जिस तरह की शिक्षा की, मेरी गारंटी है आप पूरे भारत के सरकारी स्कूलों का सर्वे कर लें,
जो टेक्निक हमने अपने सरकारी 3 स्कूलों में दी है उसको आज नहीं देर सवेर में पूरे भारत के स्कूलों में लागू होना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। आप पहले प्रदेश में ही लागू कराएंगे तो शायद इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड है हम लग रहे हैं। गोयल साहब, बीजेपी की सरकार में जो चुने हुए लोग हैं आप भी उनमें से एक हैं, कहीं ना कहीं नौकरशाही जो है वो ज़्यादा हावी है, आप इस नौकरशाही को जनता के बीच कैसे दूर करेंगे क्योंकि जनता इससे काफ़ी नाराज है। नौकरशाही हावी है, हम तो कोई काम लेके जाते हैं, जनता का काम है, कभी किसी बड़े से बड़े अधिकारी को फ़ोन कर लें, कोई लोकल प्रशासन के अधिकारी को फ़ोन कर लें, कोई कोताही वाला मामला हमारे सामने नजर नहीं आया। लेकिन आपको नहीं लगता जो जीटी रोड बेल्ट है, जीटी रोड बेल्ट का सरकार बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा है, अब की बार जीटी रोड बेल्ट की राह जो बीजेपी के लिए कितनी आसान रहेगी? बिल्कुल आसान होगी, और बीजेपी जीटी रोड से बेल्ट से बांगर की बेल्ट में भी घुसेगी, रोहतक सोनीपत की बेल्ट में भी घुसेगी, ये बिल्कुल तय है। सरकार द्वारा 2019 में ये दीवार पर लिखा है, द्वारा भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर भी सरकार बनाने जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे और चेहरा कौन होगा, आपको क्या लग रहा है किस चेहरे? एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत से हैं। हरियाणा के अंदर से पहली बार ऐसी सरकार बनी जिसने क्षेत्रवाद का, जातिवाद का, भाई भतीजावाद का, भ्रष्टाचार का पूरे तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने खात्मा किया है, विकास की सुशासन की बात को आगे बढ़ाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक बार नहीं, बीसियों बार, पचासियों बार हरियाणा की योजनाओं का जिक्र अपने भाषण में कर चुके हैं, मन की बात में कर चुके हैं। नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे तरक्की कर रहा है, नेतृत्व उन्हीं का रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, और जो हाईकमान तय करेगा उसी नाते सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता, मैंने पहले भी यही सवाल पूछा था, जैसे अंबाला में गुटबाजी है, आपके कई सांसद, चाहे राजकुमार सैनी की बात करें, अश्विनी चोपड़ा की बात करें, वीरेंद्र सिंह की बात करें, राव इंद्रजीत की बात करें, कई मंचों पर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता चुके, उसका नुकसान आपको आने वाले दिनों में होगा? देखिए, मेरा ये मानना है इस जनतंत्र में सरपंच की अपनी भूमिका है, विधायक की, पार्षद की अपनी भूमिका है, एमपी की अपनी भूमिका है। जब हम अपनी भूमिका की निर्धारण करके अपने अपने काम के प्रति, अपने कर्म क्षेत्र के प्रति संजीदा होते हैं तो कहीं टकराव की स्थिति नहीं बनती है। हमारे सारे सांसद, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं या सांसद हैं, उन सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को पूरे भारत में, पूरे लोकसभा में फैलाने का काम उनका है, और वो हमारे सांसद बखूबी कर रहे हैं, और ऐसा करते रहेंगे तो आगे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, अब समय ज़्यादा नहीं बचा, जितनी सीएम की आपके हलके को लेकर घोषणा है, जो वायदे आपने किए थे, क्या लगता है इतने कम समय में सारे वायदे पूरे हो पाएंगे? कि हमारी सारी जो घोषणाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी वो उन घोषणाओं पर काम चल रहा है, और दो बड़ी घोषणाएँ अभी माननीय अनिल वी साहब के दरबार में पड़ी हैं, तो वो बड़े मंत्री हैं, जब उनकी निगाहें कर्म होगी तो मेरे हलके की भी सुध लेंगे। दो बड़ी योजनाएं मेरी सिविल हॉस्पिटल से जुड़ी हुई और एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल स्टेडियम में जुड़ी हुई हैं, अब हम भी उनसे निवेदन करेंगे 15 जून के बाद, रोज़ एक बुके मैं उनके यहाँ भेजूँगा कि साहब, और कोई पंचायत का मेरे आदमी, कोई भी आदमी एक बुके लेके रोज़ उनके दरबार में जाया करेगा, क्योंकि राजाओं को कई बार मानते मानते समय लग जाता है, तो रोज़ एक बुके हम, क्योंकि और मेरी मुख्यमंत्री साहब की जितनी घोषणाएं हैं सब अंडर लाइन हैं, अंडर प्रोसेस हैं, या काम चल रहा है या वो पूरी होने वाली हैं, सिर्फ ये दो घोषणाएँ। वी साहब राजा ही हैं, क्योंकि जब उनका किसी पे मेहर करने का दिल करता है, रहमत करने का, तभी करते हैं वो। धन्यवाद गोयल साहब, आपने कर्ण अर्जुन के तीखे तीरों का सामना किया। ये थे असीम गोयल साहब, इन्होंने कर्ण अर्जुन के तीखे तीरों का सामना किया, जो बीजेपी की खासतौर पे अंबाला की गुटबाजी है उस पर खुलकर बोले। जल्द एक बार फिर मिलेंगे हरियाणा की किसी और बड़ी राजनीतिक हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहिए खबरें अभी तक चैनल।